अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल द सुगर सिस्टर्स। तो आज मैं आपकी भरपूर फरमाइश पे फिर से एक व्लॉग लेकर आई हूँ। तो आइए चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे मेहनती स्टाफ, हमारे बेचारे अदा काम करते हुए कर रहे हैं। आप यहाँ डांस कर रहे हैं? आप यहाँ पे कल आर्ट गाला में हम आपकी डांस देखेंगे, क्यों नहीं? अरे आर्ट गाला के लिए तैयारी। हम बच्चों से भी काम करवाते हैं, देखिए अच्छे बच्चे हमारे। बिहाइंड द सीन्स आप हमारा मेहनती स्टाफ देखें, कितनी मेहनत कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए। लेकिन हमारे बच्चे हैं कि हमें तंग करने से बाज नहीं आते। बस वो अलग बात है कि सबसे अच्छी मेरी क्लास है, जो किसी को भी तंग नहीं करती। इतनी तो कोई शरीफ क्लास है मेरी। यहाँ से नजर आ रहे हैं आर्ट्स गाला तो सिर्फ प्री सेक्शन का होना है, लेकिन मुंह उठा के हमें भी आना पड़ेगा। मुझे जाने दे प्लीज। अब नेक्स्ट डे हो चुका है, अब हम फाइनली आर्ट्स गाला में एंटर हो चुके हैं। आप ये देखें रौनक की कितनी अच्छी डेकोरेशन हुई है। आई एम सो ऑब्सेस्ड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे पेरेंट्स भी आए हुए थे और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ ना आर्ट्स कर रहे थे। डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। आगे मैं आपको मज़े का आर्ट दिखाती हूँ। स्टोन पे ना इतनी मज़े की पेंटिंग बनाई थी, ये है वो, देखें। और आगे आप डिफरेंट स्टॉल्स भी देखें, कितने मज़े के हैं। यहाँ पे सारे पेरेंट्स और जो है वो बच्चे इंजॉय कर रहे थे साथ में। अब आप ये मज़े के स्केचेस देखें। दिस आर्ट इज़ बाय नन अदर दैन सर नोरोज़। इतनी अच्छी तो उनकी स्केचिंग है, आई मस्ट से बहुत ज़्यादा देख के यू नो दैट दिल खुश हो गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्केचेस उनके पसंद आए। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन सा जो है वो स्केच ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो काफ़ी सारे पसंद आए, ये बिस्मिल्लाह वाला और ये पाकिस्तान इंडिया वाला, और भी काफ़ी सारे अच्छे थे। और ये दूसरा स्टॉल है। अब यहाँ पे देखें ये लीफ वगैरह हमने रखे हुए हैं। और ये हम पागल बीट सुनी नहीं कि बस हम स्टार्ट हो गए। इतना मज़े का गाना चल रहा था, हमारा बस नहीं चल रहा था। हम बस कोई ढोल के फंक्शन स्टार्ट कर लेते, इतना हमारा डांस करने का मूड हो रहा था। जस्ट लुक एट द कैटरपिलर, इतना मज़े का आर्ट था इस स्टॉल पे भी। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सीरियसली इतना मज़े का आर्ट था। अच्छा, बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक चल रहा था इतना अच्छा, जस्ट क्लैप योर हैंड्स, इतना मज़े का है। तो अगर ना मैं वो यूट्यूब पे रखती तो ना कॉपीराइट लग जाना था। अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो आपको ना मेरी बकवास इतनी झेलनी नहीं पड़ती, ट्रस्ट मी। हमने फिर हर स्टॉल पे जाके ना सबका ना यू नो दैट काम देखा, क्योंकि प्री सेक्शन का था तो हमने कोई स्टॉल नहीं लगाई थी। तो खैर हमें बड़ा मज़ा आया देखने में भी। ये सब ना साथ में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर किया है और इतना मज़ा आ रहा था उनको। बस यहाँ पे एक कमी थी, तो वो थी सिर्फ फूड स्टॉल की। भाई हमारा तो भूख से बड़ा बुरा हाल हो गया था। अदरवाइज म्यूज़िक भी हमारी मर्जी का ही था, सब चला रहे थे क्या चला है क्या चला है क्या चला है, लेकिन हम एक भाई दीवाने मस्ताने किसी की सुनी नहीं रहे थे और अपनी मर्जी का ही हम म्यूज़िक चला रहे। मम्मी का कराओ ना छो। अब इस स्टॉल पे आपको सांप, बिच्छू, फूल सब कुछ मिलेगा। बस समझे ये सारा गार्डन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ये वो जो प्लेडो होता है ना, उससे ये बच्चे बना रहे थे पता नहीं क्या क्या। उसके बाद हमारा हुआ यहाँ पे सारा, हमने वाइंड अप कर दिया। उसके बाद हम चले गए बाहर दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने। आज के दिन तो भाई हुए अनकाउंटेबल ब्लंडर्स, लेकिन खैर स्टिल वी इन्जॉयड अलॉट। फिर ये पता नहीं पाए इन द स्काई, जिसको मैं बिल्कुल भी यू नो एक अच्छी बेकरी नहीं कहूँगी। एक तो एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा थी, ये पता है 5 cupcakes, 1 brownie, 4 sandwiches और ये 3 यू नो दैट डोनट्स, ये सब आया था पता है 1600 का। और टेस्ट भी तो अच्छा हो कोई, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं था, ट्रस्ट मी। वहाँ के केक्स तो इतने ज़्यादा महंगे थे कि ना सडनली उन्होंने कहा, मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि ना बस ये हम नहीं ले रहे क्योंकि बजट में नहीं आ रहा। फिर 1600 का सिर्फ ये पिद्दा सा सामान आया है। उसमें जो ये थी ना सैंडविचेस, बस मुझे एक सैंडविच अच्छा लगा था, लेकिन बाकी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। डोनट भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और जो है वो पेस्ट्रीज़ वो तो बहुत ज़्यादा मीठी थी। मतलब जिसको शुगर ना भी हो उसको भी खामखा में शुगर हो जाए, इतनी ज़्यादा मीठी थी। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी।
पाई इन द स्काई। भाई उसकी प्राइसेस हाई इन द स्काई थी लेकिन टेस्ट ज़ीरो, लिटरली मतलब हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस बेकरी का। ये जो सारा सामान है ना, ये लेके पेस्ट्रीज, ब्राउनीज एंड ऑल, ब्लंडर्स से भरा दिन हमने फिर भी काफ़ी इंजॉय किया। बेचारी मारुल से हमने ये बबल गन जो है वो मंगवा तो ली लेकिन इसमें से बबल्स ही नहीं निकल रहे थे, लिक्विड इसका खत्म। इतनी बार ट्राई किया लेकिन भाई बबल्स है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। पिक्चर खींचा फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा फोटो सेशन हो जाए और जो है वो हमने मैच बॉक्स भी हम भूल गए, पता नहीं इतने सारे आज के दिन, हालांकि प्री प्लान्ड था लेकिन प्री प्लान्ड में भी ना काफ़ी कमियां रह जाती हैं, यू नो दैट। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ डक, जस्ट लुकिंग लाइक अ डकी। और यार ये अच्छी चुन थी, कक कक कक, हम साइड लड़ो पंदो पान गए। ये है कैंट पार्क जिसको जियाउद्दीन पार्क भी कहते हैं। हाँ एक्सप्लोर ही पे करूँ पा व्लॉग ठाना तो इतने पेंजो व्लॉग ही तो ठाया पई मां हो रहा हूं एनिमल्स से आयो यार साचो दियो सा एनिमल्स से तो वणियो जूली साचो शाजान ता की छाते वा जूली सु मलिया हे ये हम इसको जू में छोड़ने आए। ये एक है कोई मत में सुन रहा है सफिया, सफिया मुझे खबर है, सफिया मुझे खबर है, सफिया आई नो दैट। हम अंताक्षरी खेल रहे लेकिन हम सॉन्ग्स है कि भूल ही गए, हमें याद ही नहीं आ रहे थे। तो जल्दी से ना आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्योंकि हमारी पिकनिक आने वाली है। तो हम अंताक्षरी खेलें। देखो मुझे पेन नहीं चाहिए। तकरीबन 4 बजे यहाँ पे रौनक होने लगी क्योंकि पार्क 4 बजे खुलता है, लेकिन गेस व्हाट, हमने ये पार्क 2 बजे खुलवाया वो भी दादागिरी करके, और फिर हम 4 बजे वापस चले। हेलो हेलो, हमारे साथ एक अदद लड़का भी था। अब आप ये ब्लैंक को फिल करें, छोकरिन में छोकरो, कमेंट सेक्शन में बताएं आगे क्या होता है। अच्छा इसके बारे में ना ऑटो वाला डर डर के पूछ रहा था कि ये अदि है, ये अदि है, जब हम इसको नाम से पुकार रहे थे तो वो भी सुन के शौक रह गया कि अच्छा ये लड़की है। फिर हम रोलू आए जो है वो मिर्ची 360 गैरिसन में जो है, हमें इतनी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी तो हमने कहा कि हम यहीं चलते हैं, हमारे पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे। जब तक हमारा खाना आए 1 घंटा पहले हमें ये जो है वो रायता मिल गया। हमने हमारे जो पेट में जो चूहे दौड़ रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, उनको रोकने के लिए रायता खाया, फिर थोड़ी तसल्ली। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, या सब चपटी भूख लगी है खाना दो। मशल तो हमें अभेस्त ही करा। यार तो डाडी बेस्ती है ही। अच्छा मिर्ची 360 जो है गैरिसन का जो हमने खाना खाया वो खाना तो अच्छा था लेकिन टेस्ट में मैं बिरयानी को दूंगी 8 out of 10, ठीक है, पराठे को दूंगी 10 out of 10, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे पराठे और नान भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, और जो है मखनी हांडी को मैं 6 दूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी मखनी हांडी वहाँ पे मिलती है हैदराबाद हवेली में, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
और हमने क्या क्या खाया था। हाँ, कबाब बोटी भी हमने खाई थी, उसको मैं रेट दूंगी 7। प्राइसेस भी इतने ज़्यादा हाई नहीं थे, हमारा अराउंड 7000, हाँ 7000 तक हमारा बिल बना था। हम थे 9 लड़कियाँ थी और एक जो है एक बच्चा था, तो हमारा इतना आया था बिल। हमने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई, नान थे, पराठे थे और जो है बिरयानी थी, मखनी हांडी थी और 2 जो है बूटी कबाब की प्लेट्स थी। अच्छा, आज का थीम था हिजाब। ये भी ब्लंडर हुआ कि मुझ पे हिजाब ना अच्छे से सूट नहीं कर रहा था, बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास हिजाब कैप भी नहीं। अच्छा, मैं सर्विस को दूंगी 0, स्ट्रेट 0, क्योंकि हमें कोल्ड ड्रिंक मिली थी, हमें नहीं, मेरी रूठी रूठी दोस्त को कोल्ड ड्रिंक मिली थी गरम, और उन्होंने पहले पूछा भी नहीं था कि गरम कोल्ड ड्रिंक है तो क्या हम सर्व करें या नहीं, उन्होंने पहले ही ना कैन खोल। हमारी हुई घर के लिए वापसी, फाइनली इतना थकार के हम घर अपने गए, तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि कैसे कैसे जाना है घर, कितने ऑटो होंगे, तो फिर हम ऑटो में बैठे और हम घर गए। ओह वाओ, थैंक यू। और ये मेरी प्यारी सी छोटी छोटी बहन मेरे लिए ओह वाओ कोल्ड कॉफ़ी लेके आई है। वाओ, स्पेशल स्पेशल स्पेशल। आई विल टेस्ट योर कॉफ़ी, ओके। ओहो, लाइक दैट। भाई मेरी ये बहन ना कोल्ड कॉफ़ी बड़ी मज़े की बनाती है। इतनी देर से किचन से आवाज़ आ रही थी टक टक टक, मैं कहूँ कौन सा चूहा है, पता चला तो ये तो बिल्ला है, पूरा बिल्ला। ओके, सो लेट्स एंजॉय कोल्ड कॉफ़ी बाय नन अदर देन मेरी छोटी शुगर सिस्टर। आई होप आपने आज का हमारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।